अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मेरा नाम इब्रार है और आप देख रहे हैं वॉर्म स्नैक ईटर। आज की जो ये वीडियो है उसमें मैं इंशाल्लाह आपको अपना जो मेरा सेटअप है डॉग्स के हवाले से वो दिखाऊंगा। फर्स्ट रिव्यू है मेरा इस अपने सेटअप के ऊपर, तो आपने ये वीडियो को देखते रहना है और आपने ये बताना है कि मेरा जो सेटअप है उसमें किस चीज़ की कमी है। कमी आपने जो है वो सबसे पहले बतानी है, और जो चीज़ अच्छी लगे वो भी आप ज़रूर बताएं, और मेरे नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह। जो मेरे नॉलेज में चीज़ें हैं वो आपको मैं शेयर करूंगा, और आप का जो नॉलेज है या जो आप शेयर करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स में शेयर किया करें। शॉर्ट शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँगा अपने जो मेरे पेट्स हैं और अपना जो मेरा कैनल का जो छोटा सा सेटअप है छत के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, वो आपको दिखाऊंगा अपने पेट्स के हवाले से। उनके नाम और उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल बताऊंगा, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप दोस्तों से एक ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, और हमारा चैनल क्योंकि ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है तो मुझे वॉच टाइम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप उसको कम से कम पूरा देखा करें, ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। और इंशाल्लाह आपको नई से नई वीडियोस और नए से नए पेट्स के रिव्यूज़ जो हैं वो आपको मैं देता रहूँगा। तो आ जाएं चलते हैं, आपको मैं अपना जो है सेटअप दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है, ये आगे केजेस मैंने बनाए हुए हैं, पीछे जो हैं इनके छोटे छोटे से कमरे हैं, 5x4 के कमरे हैं और आगे 6x4 के लंबे केजेस हैं। उसके अलावा ये केजेस के जो कमरों के ऊपर है वो मैंने घास लगाया हुआ है। घास जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ये आर्टिफिशियल घास नहीं है, ये जो नॉर्मल घास होता है वो घास मैंने लगाया हुआ है। इसमें 5 इंच की मिट्टी डाल के, और आप किसी भी जगह पे नीचे शीट वगैरह डाल के तो आप घास लगा सकते हैं। इससे टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा आपको गर्मियों में जो है अफेक्ट मिलता है, तकरीबन 10 डिग्री का जो है अफेक्ट मिलता है। उसके बाद ये आगे केजेस हैं, केजेस में अच्छी खासी स्लोप दी हुई है। ये सबसे बेस्ट जो है तरीका इसकी सफाई का है कि आप स्लोप अच्छी दें केजेस में, ताकि आप सफाई रख सकें। ये मेरा सबसे प्यारा मेल प्रिंस, और काफ़ी ज़्यादा लोग जानते भी होंगे इसको, इसके बारे में भी आपने बताना है। ये पीछे एक स्वीटी है, स्वीटी गुजरात से आई हुई है, थोड़ी सी अपसेट है, बीमार है थोड़ी सी, इंशाल्लाह रिकवरी में आई हुई है, तो उम्मीद है कि जल्दी रिकवर हो जाएगी और आपको मैं इसका रिव्यू पूरा दूंगा। ये प्रिंस फार्म गेम टाइम 5 साल का मेल है, स्टड के लिए ओपन है और स्टड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है। उसके बाद ये एक फीमेल है जी, स्वीटी स्वीटी, और इसके बाद ये सैंडी है, सॉरी, इसके बाद एक ये फ़ीमेल है जी सैंडी। सैंडी जो है वो सियालकोट से मैंने परचेज़ की थी, और बड़े जनाब जिस बंदे से परचेज़ की थी उस भाई का एक तो शुक्रिया भी, और बड़ी ट्रेजेडी के साथ ये परचेज़ हुई थी। उसके पीछे ये व्याना है, व्याना जो है वो हसन शमसी साहब की ब्रीड है, हमारे जो इधर पाकिस्तान के इस्लामाबाद के ब्रीड वार्डन है, इस्लामाबाद रावलपिंडी के। ये व्याना 1 HKS, ये सैंडी नॉन पेडिग्री है, सियालकोट से आई भी है, लेकिन बहुत अच्छी फीमेल है। मेरे कैनल की सबसे खूबसूरत और सबसे लाडली फीमेल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार भी ये खाती है। मार खाने की वजह जो है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव होने की वजह से काफ़ी जो है ना तंग करती है, मतलब हर टाइम इसका दिल करता है कि मैं खेलती रहूँ और मुझे मेरे साथ खेलते रहें। और आखिरी ये एक फीमेल है, ओरा ओ, ये इसको मेट हुए 10 दिन हो गए हैं,
और ये फर्स्ट साइन है जो मैं आपको भी मतलब आप देख भी रहे होंगे कि बस ये ऐसी बैठी रहती है। प्रेगनेंसी का ये फर्स्ट साइन होता है कि फीमेल ना अपना गुमसुम हो जाती हैं। और इंशाल्लाह इसको हर 10 दिन के बाद मैं इसकी वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगा और आपकी इसकी प्रेगनेंसी की स्टेजेस के हवाले से भी आपको मैं इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा। ये व्याना है, ये ओरा है, ओरा भी पेडिग्री फीमेल है, इंटल वॉर्म लार्ज फीमेल, बड़ी अच्छी प्रोड्यूसर है। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ, ये जो हमारे पास सजाद जानी भाई आए थे, सजाद जानी भाई को जो फीमेल सजाद जानी भाई के पास जो हैप्पी है, फैसल रामे के पास, सॉरी फैसल रामे भाई के पास जो हैप्पी है ना, हैप्पी जो है वो, अच्छा सजाद जानी भाई के पास और फैसल रामे भाई के पास जो अभी फ़िलहाल हैप्पी है, हैप्पी जो है वो ये सैंडी और ये प्रिंस का बच्चा है जी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को वाइंड अप करते हैं, आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें। सेकंड ये कि अगर मेरे इस सेटअप में किसी चीज़ की कमी है या कोई चीज़ आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे ज़रूर गाइड करें और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।